हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बात करने वाले हैं हाउ मच कॉस्ट ऑफ ब्रिक टाइल एंड लेबर कम्स इन 1000 स्क्वायर फीट टेरिस एरिया। ठीक है ना, स्लैब डलने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो हमारा ब्रिक टाइल है मड मोटार का यूज़ करने के बाद जो हम छत पर लगाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि उसको लगाने के लिए कितना हमारे पास टोटल जो है कॉस्ट खर्चा आने वाला है। ठीक है ना, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है इस टॉपिक पे लगातार कमेंट आ रहा था कि मेरा 800 स्क्वायर फीट है, किसी का 1200 स्क्वायर फीट है, उस पर मतलब कि ब्रिक टाइल का जो है कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है ना, इसमें मैंने पूरा डिटेल में मड मोटार से लेकर ब्रिक टाइल जितने लेबर लगेंगे, साथ ही में मैंने जो है स्लैब डलने के बाद जो लुक का जो खर्चा होता है, सारा मैंने रेट बाई रेट बनाया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें जो है आपको सही तरीके से पता लग पाए। यहाँ पर मैंने 1000 स्क्वायर फीट मतलब जो टेरिस एरिया लिया हुआ है, आपका डिपेंड करता है जितना भी आपका हो उसके हिसाब से आप जो एस्टिमेट जो है बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो है थोड़ा सा मेजरमेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा क्यूबिक फुट मिलीमीटर मीटर यूज़ किया, तो थोड़ा सा वीडियो आपको जो है केयरफुली देखना होगा और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने रेट बनाया हुआ है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है, प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दे दूंगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल मैंने यहाँ पर देखिए एक स्लैब लिया है जिसका लेंथ देखेंगे आप 40 फीट है और इसका जो विड्थ है वो है 25 फीट। ठीक है ना, और इसका यदि आप देखेंगे थिकनेस जो होता है मेन ब्रिक का, ब्रिक टाइल का, वो होता है 2 इंची। तो पहले मैंने यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर वॉल्यूम मैंने निकाले पूरे स्लैब का, जिस तरीके देखेंगे लेंथ 40 फीट है, विड्थ 25 फीट है और जो थिकनेस कहें या हाइट कहें वो हमारे पास है 2 इंच, राइट। तो इसके हिसाब से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरा वॉल्यूम आ गया है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम यहाँ पर मेरे पास 160 क्यूबिक फीट आ गया है ना, क्योंकि मैंने सारा फिट में यूज़ किया, इसलिए मेरा ये क्यूबिक फिट में मेरा ये वॉल्यूम आ चुका है, राइट। इसके बाद देखिए वॉल्यूम जो मैंने लिया है उसमें क्या है फ्रेंड कि इंक्लूडिंग ब्रिक वर्क, जितना भी हमारा ब्रिक टाइल लगा हुआ है, मड मोटार का जो लेयर लगा हुआ है, सारा इंक्लूडिंग मेरा 160 आया हुआ है ना। अब मुझे इसको अलग अलग करना पड़ेगा, ब्रिक को अलग करना पड़ेगा, मड मोटार को अलग करना पड़ेगा, तभी अलग अलग जो है मैं रेट एनालाइज कर पाऊंगा। तो पहले मैंने देखिए एक सिंगल ब्रिक का देखिए साइज ऑफ ब्रिक टाइल विदाउट मोटार, समझिए आप विदाउट मोटार यानी कि आप कह सकते हैं विदाउट मड मोटार, यदि भी नहीं एक नीचे लेयर लगता है और एक जो है साइड में लेयर लगता है ना, जैसे कि आप देखते होंगे चुनाई करते समय 10 mm का जो है एक मोटार की लेयर लगती है, उसी तरीके से मड मोटार की भी लेयर लगती है एक दूसरे ब्रिक को ज्वाइंट करने के लिए ना। देखिए यहाँ ज्वाइंट पे लगता है मड मोटार। तो पहले मैं यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहा हूँ साइज ऑफ ब्रिक टाइल विदाउट मोटार। आपको पता होगा ब्रिक टाइल का जो साइज होता है इंचज में बात करें तो वो उसका होता है लेंथ 9 इंचज, विड्थ होता है 4.5 इंची और हाइट होता है 2 इंची। तो मैंने इसको यहाँ पे देखिए mm में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना, तो mm में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फंडा है, आप जो चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं उसको इंचज को mm में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लेंथ मैंने यहाँ पे mm में लिखा हुआ है 228.60 mm, विड्थ 114.30 mm एंड हाइट जो है 50.80 mm। यहाँ से मैंने वॉल्यूम निकाल लिया है mm में, तो वॉल्यूम आपके सामने देखिए यहाँ पर आ चुका है 1327352.184 mm³। देखिए अब यहाँ पर ये mm³ में आ गया है और टोटल वॉल्यूम मेरा क्यूबिक फीट में है, तो इस mm³ को भी मुझे क्यूबिक फीट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट उससे पहले तो ये विदाउट मोटार था, मैं इंक्लूडिंग मड मोटार भी निकाल लेता हूँ। साइज ऑफ ब्रिक टाइल विद मड मोटार, मड मोटार के साथ क्या है कि 10 mm का लेयर जो साथ में लग जाता है, यानी कि ये 228 से 238 हो जाएगा और विड्थ 114 से 124 हो जाएगा और हाइट जो है 50 से 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है मड मोटार का लेयर लग चुका है। इसका ये वॉल्यूम निकालते हैं उसी तरीके से, फंडा है वॉल्यूम लेंथ विड्थ इनटू हाइट, तो ये 1803205.18 mm³ आ रहा है। तो ये आपका आ गया है वॉल्यूम मड मोटार भी और विदाउट मोटार भी। अब हमारा टारगेट है ये जो दोनों वॉल्यूम आया, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स भी निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस mm³ को मुझे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सिंपल ये कन्वर्जन यूनिट का फार्मूला है, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है ना,
यदि आप 1 mm की बात करें तो 1/1000 मीटर होता है। तो सिंपल आप जो है इसको, यदि 1 mm में 1000 मीटर होता है तो 1 mm क्यूब में कितने 1000 मीटर होंगे, तो 1/1000 × 1000 × 1000 m³ होगा, राइट। तो उसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है और ये 1 mm में जो है देखिए इतना, यानी कि इतना मीटर क्यूब होता है, ठीक है। और 1 m³ में 35.31 फीट होता है। तो सिंपली जो है मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपली mm³ ये रहा मेरा, इसको डिवाइड किया पहले मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। उसके लिए जो मेरे पास ये फार्मूला था डिवाइड कर दिया मैंने उससे, तो यहाँ पे मेरा जो वॉल्यूम आ गया है ये जो मड मोटार टाइल का वो आ गया 0.00180 m³, ठीक है ना। सिंपल कन्वर्जन है, डिवाइड सिर्फ आपको करना होगा। अभी जो मीटर क्यूब में है इसको फिट क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है 35.31 से इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल आप देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो मेरा वॉल्यूम है इन मड मोटार टाइल का वो कितना आ गया है 0.0636, ये मेरा फिट क्यूब में आ गया है। ये क्या था, विद मड मोटार था ना, विद मड मोटार था। एक विदाउट मड मोटार का भी निकाल लीजिए जल्दी से। उसी तरीके से mm³ को पहले मीटर क्यूब में, ठीक है ना, सिंपल। और ये कैसे आ रहा है मैं आपके फॉर्मूला साइड में लिख चुका हूँ, आप इसको अच्छे से जो है समझ सकते हैं। यदि अभी भी कोई डाउट आ गया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहले मेरा मीटर क्यूब में आ गया, मीटर क्यूब से आपको फिट क्यूब में। तो ये देखिए मेरा जो है विदाउट मड मोटार जो था इसको मैंने फिट क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे इतना लंबा क्यों कर रहा। देखिए फ्रेंड, मुझे सभी चीज़ों की जरूरत है, विद मड मोटार वॉल्यूम की जरूरत था, विदाउट मड मोटार की वॉल्यूम की भी जरूरत था, वो आप आगे देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक टाइल निकालना है। तो इसमें क्या होगा, टोटल वॉल्यूम जो मेरा पीछे आया था 160, ठीक है ना, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वॉल्यूम जो मेरा 160 आया था, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, दूसरे पेज में आपको बताया था टोटल वॉल्यूम आया था मेरा 160। और उसके बाद जो है फ्रेंड, जो मेरा अभी क्यूबिक फीट में आया है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मड मोटार, यानी कि मड मोटार के साथ मैं पहले लूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा विद मड मोटार के साथ कितना है, देखिए यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन हो चुका है पहले से ही। विद मड मोटार यदि आप लेंगे तो ये आपके पास आया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 0.0636 क्यूबिक फीट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं लिखा भी हूँ विद मड मोटार टाइल, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपका जो है नंबर ऑफ ब्रिक आ गया, यानी कि 2516 ब्रिक लगेगा 1000 स्क्वायर फीट टेरिस एरिया में, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर जो है मेरा कन्वर्जन यूनिट थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। आप चाहें डायरेक्टली फिट में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पहले mm में देन मीटर में फिर फिट में किया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा ब्रिक टाइल आ गया। अब मुझे जो है निकालना होगा कि कितना मेरा क्ले पार्टिकल कह सकते हैं, मिट्टी कितना लग रहा है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार, देखिए पहले विद मोटार मैंने निकाला, विदाउट मोटार मेरा कितना आ रहा था 0.046 फीट क्यूब आ रहा, ठीक है ना। तो यानी हम मैं टोटल देखिए, क्योंकि देखिए मुझे मोटार निकालना, क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम में सीधे मैं ब्रिक का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मेरा मोटार आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और 2516 मेरे ब्रिक लग रहे हैं और एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो है 0.046, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 115.73 क्यूबिक फीट जो है टोटल वॉल्यूम आ गया सिर्फ और सिर्फ ब्रिक टाइल का। और टोटल वॉल्यूम देखिए, सिंपल मुझे वॉल्यूम ऑफ मड मोटार निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम 160 था और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो 115 आ रहा था, तो माइनस करने के बाद जो उसका 10-10 mm का लेयर लग रहा है, यानी कि वो जो है लगभग आपका जो 45 क्यूबिक फुट आपका जो है मिट्टी आ गई, ठीक है, जो इसमें यूज हो रहा है लेयर के लिए 10 mm का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये तो हुई बात सिंपल स्लैब की, जहाँ पर ब्रिक की वॉल्यूम और यहाँ पर मैंने मड मोटार की वॉल्यूम जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड कि जो नीचे लेयर बिछती है, यानी कि पहले लुक का लेयर डलता है और उसके बाद जो लेयर बिछती है 2 इंच की मिट्टी की, उसके ऊपर ही तो ब्रिक रखा जाता है। फिर हम उस क्योंकि मिट्टी तो वो भी खर्चे में आएगी, हाँ, तो मैं पहले उसका भी जो है यहाँ पर वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। 2 इंच थिकनेस हम जो है लेयर यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू जो है स्लैब, जहाँ पर रेन वाटर स्टैक लगा होता है वहाँ पर हम जो है 1.5 इंची कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, बाकी पोर्शन में 2 इंच रखते हैं, वहाँ 1.5 इंची, कई जगह पर 1 इंच भी मिट्टी वहाँ पर डाल देते हैं ताकि वहाँ पर जो है स्लोप बन सके, राइट। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका लेंथ 25 है, विड्थ 40 है और हाइट जो है 2 इंची। तो वॉल्यूम जो है मड मोटार नीचे लेयर की वो भी 160 क्यूबिक फुट आ गया, राइट। उसके देखिए टोटल जो मड मोटार क्ले पार्टिकल की वॉल्यूम निकाले, तो 160 तो वो नीचे वाली लेयर आ गई और 45 जो है ये जो जॉइंट्स पे हमारे यूजर है मिट्टी, ये यानी कि 205 क्यूबिक फीट की
मिट्टी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। यहाँ से देखिए 205 क्यूबिक फुट तो मिट्टी होगी और 25 से 16 तो नंबर ऑफ ब्रिक होगी, ठीक है ना। तो ये आपके सारा मटेरियल जो है आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब आपको सिंपल रेट कॉस्ट निकालना है। रेट कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टोटल कॉस्ट इन 1000 स्क्वायर फीट ब्रिक टाइल की। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक मेरे 25-16 लग रहा है, राइट। और अभी प्रेजेंट टाइम पे यदि मार्केट में अभी रेट पता करेंगे ब्रिक टाइल की, तो एक पीस का रेट 6.20 रुपये है, राइट, ब्रिक टाइल का पर पीस। तो आप सिंपल 25 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.20 से, तो 15,599 रुपये का आपका ब्रिक आ जाएगा फ्रेंड, राइट। इसके बाद मड मोटार की मैं बात करूँ, जो हमारा क्ले पार्टिकल यूज़ होता है, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट है टोटल वो 205 क्यूबिक फीट की रिक्वायरमेंट है। तो एक क्यूबिक फीट का जो प्रेजेंट टाइम पर रेट चाहे वो 6 पर क्यूबिक फीट चाहे, यानी कि 6 रुपये फीट के हिसाब से मिट्टी जो मिल रही है, तो 205 का बन गया 1230 रुपये की आपकी जो है ट्राली आ जाएगी मिट्टी की, राइट। उसके बाद जो स्लैब डलने का लुक का जो कॉस्ट होता है वो फ्रेंड 2 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जो अभी डल रही है प्रेजेंट टाइम पे, कहीं 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 पर 2.5 रुपये भी है, 3 रुपये भी है, और डिपेंड्स अपॉन लोकेशन भी होता है, कई बार कई जगह 1.5 रुपये भी है। तो हमारे एरिया में जो अभी हम 2 रुपये में स्क्वायर फीट से हम जो लुक हम डलवा लेते हैं, तो लुक डलवाने की जो कॉस्ट है वो है फ्रेंड, एरिया आपके 1000 स्क्वायर फीट है, रेट पर स्क्वायर फीट का 2 रुपये है, तो टोटल लुक डलवाने के लिए 2000 रुपये आपको जो है खर्चा करना पड़ेगा। लुक लुक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना ली, जिसको लुक के बारे में नहीं पता वो जाके देख सकता है। इसके बाद जो आप सिंपल टोटल कॉस्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इससे पहले मैं बता दूं, जो भी लेबर मैसन जो ठेका लेता है आपका जो इस काम करने के लिए, वो पर स्क्वायर फीट जो है 18 रुपये लेता है। उस 18 रुपये में क्या होता है फ्रेंड, कि वो आपका ब्रिक टाइल जो है निचले ग्राउंड फ्लोर से वो अपने फ्लोर लास्ट, जहाँ भी आपका टाइल टेरिस पे लगे चाहे लास्ट फ्लोर पे लगे, जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ तक वो अपना बाय लिफ्टिंग के थ्रू, बाय लेबर के थ्रू आपका एक तो मटेरियल मड मोटार जो है या ब्रिक टाइल है सारा एक तो ऊपर लेकर जाएगा, साथ में उसके अपने लेबर होंगे, अपने मैसन होंगे, वो सारे कुछ मतलब मिला के जो आपका 18 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपका रेट लग जाता है, ठीक है ना। तो टोटल यदि अब 1000 है और एक स्क्वायर फुट का 18 रुपये लग रहा है, तो 1000 का हो जाएगा 18000 रुपये, तो आपका लेबर मैसन कॉस्ट हो गया। अब हम टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। पहले ब्रिक का कॉस्ट 15,599, मोटार का कॉस्ट 1230 रुपये, लुक का कॉस्ट 2000 रुपये, लेबर मैसन कॉस्ट 18,000 रुपये, सबको टोटल करेंगे तो आपका 36,829 रुपये में जो है ये 1000 स्क्वायर फीट जो है टेरिस एरिया आपका लग सकता है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो अपने घरों में टेरिस एरिया कभी भी लगवाते हैं, या किसी कोई लगवा रहा है या आपसे कोई वैसे एडवाइस मांग रहा है, तो आप उसको जो है अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपका जो है इतना खर्चा जो है आने वाला है, ठीक है ना। ये वीडियो डिमांडिंग वीडियो थी, ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गया जरूर बनाने में, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अभी से आपको जो है रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगी, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।